फरमाएं इंशाअल्लाह ताला जिथे भी जरूरत पोसे तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान आप निशाना बशाना खड़े से। और रियासत का काम एक मुल्क के अंदर दो कानून नहीं होंगे, ऐसा समझू के जिमें वफाक के अंदर बाकी सूबे के अंदर उन्हें को हकूक दिते गए, इतना भी सारे तमाम इदारे को उन्हें हकूक सही माने दिते गए, क्योंकि जड़े लोग जवानी के अंदर आते सारे इदारों के अंदर काम करेंगे आवाम की मखलूक की और गवर्नमेंट की खिदमत करेंगे बुढ़े थी वजह तो उन्होंने हक के उत्ते डाका मारना यह ना इंसाफी है। असा अक्सो ये ना इंसाफी सबको ना मंजूर है। इंशाअल्लाह ताला अपने हक की जंग वास्ते हर मैदान के अंदर आने वास्ते तारीफ भी तेरे नाल है, तुसा भी शाना बशाना खड़ो। जब तक आपस के अंदर इत्तेहाद आपस के अंदर मोहब्बत कायम हो से इंशाअल्लाह कामयाबी कदम चूसे। हजरत फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौर खिलाफत एक बुजुर्ग यहूदी गैर मुस्लिम जड़ा के भीख मंगता वाले भीख मंगते मंगते फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जब मेरे सामने आए तो आपने फरमाया यार खैर तू भीख क्यों मंगता वाली बुजुर्ग हालत के अंदर ही तू हम भीख मंगने का वेला उन्हें किसी नहीं मसला है कि साल के बाद जो है सबू टैक्स देना पौधे जिजिया देना पौधे तो हम मैं बुढ़ा थी गया कमजोर थी गया कमाव की सकत नहीं रही तो इन वजह करके साल के बाद वह तो लाजमी देना पौधे मैं भीख मंगते पूरा करना ये जिजिया तो टैक्स पूरा करते देना रहना। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जिमें मुसलमान के हकूक हैं तुम्हारे भी वह हकूक हैं। आपने फरमाया आज के बाद तो भीख नहीं मंगनी तो अपने घर के अंदर बहे जिमें मुसलमान है पूरे हकूक और उन्हें हक उन्हें दरवाजे पर मिलते तो आपको भी तुम्हारे घर के अंदर मिलते। इस्लाम तो वो दीन है यार, इस्लाम वो दीन है। और पाकिस्तान जो मकसद वास्ते बढ़िया पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह में रखी गई और पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ कायम रहा से तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह कायम रहने। कुरान फरमाते ए दिलू हो अकरब अल तक्वा और कौमा जरा अदल और इंसाफ के नाल रहन जड़ा मतलब है कि अपने मामलात अपने रियाया को अपने महकमे के अंदर रहने वाले लोगों को हकूक सही माने उन्होंने हकूक की पामाली नहीं करेंगे और हर चीज कायम कायम रह दिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तमाम दोस्तों का इत्तेहाद इत्तेफाक अल्लाह तबारक व तआला इन्हें बहुत जल्द ही कामयाबी अता फरमे से। और आखिर के अंदर मैं आप दोस्तों के तवस्सुत नाल ये भी आखना चाहना कि जिवें अस आज अपने हक वास्ते जरूरी है होना भी चाहिए कि सारे हक के डाका मार गए ऐसा बर्दाश्त इसे करें कि जैसे नामूस रिसालत का मसला होवे हजूर की इज्जत का मसला होवे या कोई बदबख्त सारे कुरान की बेहरमती करे उतना भी ही तो ज्यादा सब अपने आप और अपने सफे के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत है। इन वास्ते एक शायर अपने मतलब एक तर्जमानी करेंगे हुए उनकी जुबानी में आपको आखना चाहना हो क्या आखना चाहते कि ना डाला ना आटा सटो ना डाला ना अट्टा सटो तक ते नक ते वट्टा सटो जेड़ा पाक कुरान को भौंके उदे गल च पट्टा सटो लबैक लबैक ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद। और जिगर दोबारा भी आखना चाहना इंशाअल्लाह ताला तहरीक लबैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान दी जिथा भी तमाम दोस्तों को जरूरत पवे अपने हकूक वास्ते और निजामे जुल्म को खत्म करने वास्ते तहरीके लगे कि यार सुन ला पाकिस्तान आप दे शाना बशाना खड़ी हो से वमा अलैना इल्लल्लाह। यह हम सिकारी गुलाम अकबर सादकी साहब जरा